Students, how are you all? I hope you all are fine and doing well. You enjoyed your winter vacations, but between these vacations, don't forget your studies because the study is very important and your exams is about to be started. So let's revise PT4 syllabus. There are two chapters in PT4, chapter number 9, electricity and circuit, chapter 10, fun with magnets. Let's revise chapter number 9, electricity and circuit. Let's revise summary of this chapter. First point, electric cell is a source of electricity, which means in an electric cell, there is a chemical that is converted chemical energy into electrical energy. इसका मतलब हमारी cell में एक chemical होता है, जो chemical energy को change कर दे, chemicals को change कर देता है electrical energy में. तो जो भी objects जो cell से चलती हैं, जो सेल जिसमें हम सेल यूज़ करते हैं, लाइक हमारे टॉर्च हो गए, रेडियो ट्रांसिस्टर्स हो गए, वॉच हो गई, इसमें हम सेल्स डालते हैं ना, तो उन सेल के अंदर जब तक सेल केमिकल रहेगा तब तक वो ग्लो करती हैं, तब तक वो चलती हैं. थोड़े टाइम के बाद हम क्या देखते हैं, वॉच हमारी चलना बंद हो गई है, पहले टाइम रॉन्ग किया फिर चलना बिल्कुल स्टॉप हो गई. इसका मतलब क्या होता है, सेल के अंदर जो केमिकल था, जो केमिकल एनर्जी जो थी, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रही थी, वो स्टॉप हो गई, वो केमिकल फिनिश हो गया है. सेकेंड पॉइंट, एन इलेक्ट्रिक सेल हैज़ टू टर्मिनल, वन इज़ कॉल्ड पॉजिटिव वाइल द अदर इज नेगेटिव. आप कोई भी सेल देखिए, छोटे वाले, लॉन्ग, शॉर्ट, जो भी आप सेल देखेंगे उसमें टू आपको टर्मिनल्स, टू एंड्स दिखाई देंगे. टू एंड्स दिखाई देते हैं, एक होता है पॉजिटिव एंड एंड अनदर वन इज नेगेटिव एंड्स. पॉजिटिव एंड इंडिकेट करते हैं, पॉजिटिव एंड अब कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज मेटल कैप. मेटल कैप इंडिकेट पॉजिटिव एंड एंड द मेटल डिस्क इंडिकेट नेगेटिव एंड. आप कोई भी सेल उठाकर देखिए, आप उसमें एक पॉजिटिव साइन दिखेगा और आपको नेगेटिव साइन दिखेगा. पॉजिटिव मेटल कैप, जहाँ पे कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट वो होता है हमारा पॉजिटिव एंड, और जहाँ पर डिस्क, फ्लैट डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है, दैट इज नेगेटिव एंड. नेक्स्ट पॉइंट, एन इलेक्ट्रिक बल्ब हैज़ अ फिलामेंट दैट इज कनेक्टेड टू इट्स टर्मिनल. इलेक्ट्रिक सेल में फिलामेंट होता है जिसके टर्मिनल से अटैच होता है. कभी आप फ्यूज बल्ब लीजिएगा और देखिएगा, जो फिलामेंट होता है, फिलामेंट इज अ थिन वायर, फिलामेंट एक पतली सी वायर होती है. जब वो वायर ब्रेक हो जाती है तो हम बोलते हैं कि बल्ब फ्यूज हो गया है. कैसे फ्यूज हो गया, बल्ब क्यों नहीं ग्लो कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी एक टर्मिनल से जा रही है लेकिन बीच से फिलामेंट ब्रेक होने की वजह से वो अनदर टर्मिनल पर नहीं पहुँच रही है. इट मीन्स हमारा सर्किट ग्लो कंप्लीट नहीं हो रहा है, और जब तक हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, बल्ब ग्लो नहीं करेगा. बल्ब किसी, तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक सर्किट मस्ट बी क्लोज्ड. इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज ओनली व्हेन द इलेक्ट्रिक सर्किट इज क्लोज्ड. यस, नेक्स्ट पॉइंट, इन अ क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट द करंट पास फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल टू द अनदर टर्मिनल. क्लोज सर्किट में क्या होता है, एक टर्मिनल से अदर टर्मिनल पर इलेक्ट्रिसिटी मूव करती है, जिससे कोई भी चीज़, ऑब्जेक्ट जो है जिसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की है, वो ग्लो करती है. ये अभी हमने आपको बताया था ना कि इलेक्ट्रिसिटी विल सप्लाई ओनली इन अ क्लोज सर्किट. इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ और सिर्फ एक क्लोज सर्किट, या फिर हम बोल सकते हैं एक कंप्लीट सर्किट में फ्लो करती है. कहीं अगर कभी क्या होता है, बेल फिलामेंट टूट गया है, फिलामेंट ब्रेक हो गया है, तो वो सर्किट है इनकम्प्लीट हो जाएगा और वो बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा. आप लोगों ने नोट किया होगा कि हमने वॉच में सेल डाला, जब हमने सेल डाला तो हमारी वॉच थी बिल्कुल ठीक चल रही होती है, उसके बाद टाइम करेक्ट शो कर रही है. धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद क्या होता है, वो गलत टाइम शो करने लगती है. एक टाइम ऐसा आता है कि वो टाइम, वो उसकी जो नीडल्स हैं क्लॉक की, वो मूव नहीं करती हैं. तो इसका रीज़न क्या है, जो हमने सेल डाला था वो सेल उस टाइम बिल्कुल ठीक था ना, और जब वो रॉन्ग टाइम 5 मिनट पीछे हुई, 10 मिनट्स पीछे हुई, क्या रीज़न है. इलेक्ट्रिक सेल में एक केमिकल होता है, जब तक वो केमिकल यूज्ड होता रहता है, जब तक वो केमिकल सेल के अंदर रहता है तब तक तो वो प्रॉपरली वर्क करता है, और जब हमारा सेल का केमिकल वो एंड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो सेल हमारा वेस्ट हो जाता है, तब वो स्टॉप, वॉच हो या कोई भी मटेरियल हो जिसमें हमने सेल यूज़ किया है, वो चलना बंद कर देता है. लेट्स रिवाइज एक्सरसाइज ऑफ, लेट्स रिवाइज व्हाट इज इंसुलेटर एंड कंडक्टर्स. इंसुलेटर क्या होता है, इंसुलेटर एनीथिंग दैट डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम इज इंसुलेटर. इंसुलेटर क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट हम ले लेते हैं जिससे करंट नहीं पास होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर. वो क्या होता है, इंसुलेटर ड्राई वुड, प्लास्टिक रबर्स हो गए, प्लास्टिक ग्लव्स हो गए,
दैट आर इंसुलेटर, जिससे करंट नहीं पास होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इंसुलेटर. एंड द अपोजिट ऑफ इंसुलेटर इज कंडक्टर. उसका अपोजिट क्या होता है, कंडक्टर. एनीथिंग दैट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम इज कॉल्ड कंडक्टर. कोई भी चीज़ जिसके थ्रू हम करंट पास कर सकते हैं वो क्या होता है, दैट इज मेटल्स. यू नो अवर बॉडी इज़ ऑल्सो अ कंडक्टर. हमारी बॉडी है वो भी कंडक्टर है, हमें भी करंट लगता है ना. अवर बॉडी इज कंडक्टर. अब अगर किसी को आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रिशियंस हो गए, वो क्या प्लास्टिक स्लीव्स पहन, प्लास्टिक ग्लव्स पहनते हैं, प्लास्टिक स्लीपर्स पहनते हैं, रबड़ स्लीपर्स पहनते हैं. वो वायर को अगर टच करते हैं तो वायर, अपने हैंड में प्लास्टिक के ग्लव्स पहनते हैं ना. क्यों पहनते हैं, बिकॉज दैट प्लास्टिक ग्लव इज़ अ इंसुलेटर. इट मीन्स दे प्रोटेक्ट देम फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक. वो प्लास्टिक ग्लव इंसुलेटर है, उनकी बॉडी के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आएंगे. जब वो हमारी बॉडी के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आएंगे, जब वो बॉडी के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएंगे तो उनको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा, है ना. वहाँ पे सर्किट हमारा इनकम्प्लीट हो गया तो वो करंट पास नहीं होगा. अब अगर ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी वेट हो वेट में भी लगता है, और अगर ना भी वेट हो और कोई भी चीज़, कोई वायर अगर हम डायरेक्ट टच कर लेते हैं तो हमें करंट लगता है ना. दिस प्रूव्स दैट अवर बॉडी इज़ कंडक्टर वाइल प्लास्टिक ड्राई वुड इज इंसुलेटर. क्लियर. इंसुलेटर एनीथिंग दैट डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट to pass through them is insulator, while anything that allow electric current to pass through them is conductor. Okay. Let's revise exercise of this chapter. Pay attention at this exercise. A device that is used to break an electric circuit is called electric switch. वो device जिससे हम electric circuit को break करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, electric switch. Let's assume कि हमें कोई fan on करना है. हमने फैन हमारा ऑन था, ठीक है. अब हमें उसको स्विच ऑफ करना है. तो जब हम उसको स्विच ऑफ करेंगे तो डिवाइस जो है, मतलब एक सर्किट जो था पूरा चल रहा था, इलेक्ट्रिसिटी जो फैन तक जा रही थी, वो सर्किट क्लोज हो, ओपन हो गया है. वो सर्किट क्या था, ओपन हो गया. पहले क्लोज था, कंप्लीट सर्किट था, अब वो सर्किट इनकम्प्लीट हो गया है. तो इससे क्या हमें प्रूव होता है, इससे हमें ये प्रूव होता है, इलेक्ट्रिक स्विच इज़ यूज्ड आइदर टू कम्प्लीट द सर्किट और टू ब्रेक द सर्किट. मीन्स इलेक्ट्रिक स्विच की नीड हमें होती है सर्किट को कंप्लीट करने के लिए या फिर सर्किट को इनकम्प्लीट रखने के लिए. ओके. सेकेंड, एन इलेक्ट्रिक सेल हैज़ टू टर्मिनल्स. इलेक्ट्रिक सेल्स में दो टर्मिनल्स होते हैं, पहले ही हमने आपको बताया. आप कोई भी इलेक्ट्रिक सेल उठाकर देखिए, उसमें आपको दो टर्मिनल दिखेंगे, दैट इज पॉजिटिव एंड द नेगेटिव टर्मिनल. टर्मिनल्स मीन्स एंड. टर्मिनल्स का मतलब होता है एंड. या तो पॉजिटिव टर्मिनल होगा या फिर नेगेटिव टर्मिनल होगा. अब पॉजिटिव टर्मिनल्स मेटल कैप होता है. आप देखते हैं ना एक नॉब लाइक कैप लाइक स्ट्रक्चर सेल में. आप कोई भी सेल देखिए, इसमें आपको एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, वो होता है हमारा पॉजिटिव एंड. तो हम उसको बोलते हैं मेटल कैप इंडिकेट पॉजिटिव टर्मिनल, वेयर एज मेटल डिस्क फ्लैट स्ट्रक्चर एट द एंड फ्लैट मेटल प्लेट दैट इंडिकेट नेगेटिव स्ट्रक्चर. ईच सेल हैज़ टू टर्मिनल्स, दैट इज पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल. लेट्स रिवाइज ट्रू एंड फॉल्स. इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो थ्रू मेटल्स. अभी हमने आपको बताया मेटल्स आर कंडक्टर, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो थ्रू देम इजली. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. सेकेंड, इंस्टेड ऑफ मेटल वायर्स अ जूट स्ट्रिंग कैन बी यूज टू मेक अ सर्किट. अब जूट जो है वो, उससे क्या हम वायर बना सकते हैं, उससे करंट पास हो सकता है, नहीं उससे करंट नहीं पास हो सकता. उससे करंट क्यों नहीं पास हो सकता, बिकॉज दैट इज इंसुलेटर. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. थर्ड वन, इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू अ शीट ऑफ थर्माकोल. थर्माकोल की शीट से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, नहीं. नो, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, बिकॉज थर्माकोल इज ऑल्सो एन इंसुलेटर. अवर बॉडी इज कंडक्टर वाइल थर्माकोल इज इंसुलेटर. लेट्स रिवाइज. दैट्स इट फॉर दैट चैप्टर. दैट्स इट फॉर चैप्टर नंबर 9. लेट्स मूव टू नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज फन विद मैग्नेट्स. मैग्नेट्स, वॉट इज द नेम ऑफ नेचुरल मैग्नेट. मैग्नेटाइट. मैग्नेटाइट इज अ नेचुरल मैग्नेट. मैग्नेट अट्रैक्ट्स मेटल्स लाइक आयरन, किपल, निकल, कोबाल्ट. दीज आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल. मैग्नेट किसको अट्रैक्ट करती है, मैग्नेट अट्रैक्ट करती है ना आयरन को, निकल को, कोबाल्ट को, कोई भी चीज़, एनीथिंग दैट इज अट्रैक्टेड टूवर्ड मैग्नेट, दैट इज मैग्नेटिक मटेरियल. कोई भी चीज़ जो मैग्नेट को हम रखते हैं और उसे अट्रैक्ट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं,
मैग्नेटिक मटेरियल। अब आप एक एक्सपेरिमेंट ट्राई करके देखिएगा, एक पेपर लीजिए, उस पेपर के ऊपर आप कॉइन रखिए, आप कॉइन रखेंगे, अब नीचे से आप मैग्नेट मूव करेंगे, जिस जिस डायरेक्शन में आप मूव करेंगे उस डायरेक्शन में आपका मैग्नेट मूव करेगा ना, मैग्नेट मूव करेगा ना उस डायरेक्शन में, तो मैग्नेट कॉइन कैसा हो गया, कॉइन इज अ मैग्नेटिक मटेरियल। यस, सेफ्टी पिन, आप ये काम सेफ्टी पिन से भी कर सकते हैं, है ना, सेफ्टी पिन से भी आप ये काम कर सकते हैं, जिस जिस डायरेक्शन में हम मैग्नेट मूव करेंगे या फिर जिस डायरेक्शन में सेफ्टी पिन मूव करेंगे उस डायरेक्शन में हमारा मैग्नेट भी मूव होगा, दैट इज ऑल्सो अ मैग्नेटिक मटेरियल। नेक्स्ट पॉइंट, मटेरियल दैट आर नॉट अट्रैक्टेड टूवर्ड मैग्नेट आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक। मैग्नेटिक का अपोजिट क्या है, नॉन मैग्नेटिक। जो चीज़ें मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट होती हैं दैट इज मैग्नेटिक मटेरियल, और जो अट्रैक्ट नहीं होती हैं दैट इज नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। अब यही एक्सपेरिमेंट आप अगर किसी रबर बैंड के साथ करते हैं, रबर बैंड्स रखते हैं या फिर प्लास्टिक बॉक्स रखते हैं, तो क्या मैग्नेट मूव करे, मूव मैग्नेट जिस डायरेक्शन में मूव हो रही है उस डायरेक्शन में प्लास्टिक थिंग्स, रबर बैंड्स ये सब मूव करेंगे, वुड मूव करेगा, नहीं मूव करेगा, बिकॉज दे आर नॉट अट्रैक्टेड टूवर्ड द मैग्नेट, सो दे आर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। यस, ईच मैग्नेट हैज़ टू मैग्नेटिक पोल्स। जैसे अभी लास्ट चैप्टर में हमने आपको बताया कि मैग्नेट के इलेक्ट्रिक सेल के टू एंड्स होते हैं, टू टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, वैसे ही मैग्नेट में टू पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। कोई भी मैग्नेट है, कोई भी मैग्नेट हो, उसमें हमेशा आपको सिर्फ दो ही पोल्स मिलेंगे, दैट इज़ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। एंड वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग, अगर आप सोचें कि हम मैग्नेट को बीच से ब्रेक करके इनके नॉर्थ पोल को साउथ पोल को सेपरेट कर सकते हैं, नो, ये ऐसा कभी नहीं होगा। आप उसको ब्रेक करेंगे तो जो ब्रेक हुआ लास्ट एंड है वो आपका साउथ पोल इंडिकेट करेगा, ब्रेक हुआ फर्स्ट एंड है वो आपको नॉर्थ पोल इंडिकेट करेगा। तो हर मैग्नेट में, चाहे आप बड़ी मैग्नेट लीजिए या छोटी मैग्नेट लीजिए, हर मैग्नेट में हमें टू पोल्स दिखते हैं, दैट इज़ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज अलाइन इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अब आप एक स्ट्रिंग लीजिए, आप उस स्ट्रिंग से इसको टाई कीजिए और मैग्नेट को आप स्ट्रिंग से टाई कीजिए और मैग्नेट को आप हैंग कर दीजिए, आप क्या देखेंगे, मैग्नेट कौन से डायरेक्शन में गई है, मैग्नेट हमें नॉर्थ और साउथ पोल, फ्रीली अलाइन मैग्नेट ऑलवेज इंडिकेट नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। यस, नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपोजिट पोल्स ऑफ मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर वेयर एज सिमिलर पोल्स रिपल वन अनदर। सबसे पहले तो हम मतलब समझते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिपल। रिपल का मतलब क्या है, दूर भागना। अट्रैक्ट का मतलब अट्रैक्ट करना, पास आना, वैसे ही रिपल का क्या मीनिंग है, दूर भागना। ठीक है, तो अपोजिट पोल्स, अपोजिट पोल्स हमारे क्या होंगे, नॉर्थ और साउथ हमारे अपोजिट पोल्स होंगे। तो जब भी हम मैग्नेट को डायरेक्शन में रखेंगे, नॉर्थ डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन में, तो जब नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन होगी तब ही हमारे मैग्नेट अट्रैक्ट होंगे, है ना। अगर हमने नॉर्थ साउथ नॉर्थ रखा तो भी अट्रैक्ट होंगे, बिकॉज दीज आर अपोजिट पोल, वेयर एज लाइक पोल्स, लाइक पोल्स क्या होंगे हमारे, नॉर्थ नॉर्थ, साउथ साउथ, ये एक जैसे पोल्स हो गए। वेयर एज सिमिलर पोल्स रिपल रिपल वन अनदर, वो एक दूसरे, अगर हम सिमिलर पोल्स रखेंगे, लाइक पोल्स रखेंगे, तो वो एक दूसरे से रिपल होंगे, मतलब एक दूसरे से टच नहीं होंगे, दूर जाएंगे, दैट ओके। सो अपोजिट पोल्स ऑफ मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर वेयर एज सिमिलर पोल रिपल वन अनदर, और सिमिलर पोल्स क्या होते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं, गॉट इट। ओके, लेट्स रिवाइज एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। इन फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर मेड इन डिफरेंट शेप सच एज बार मैग्नेट, हॉर्सशू एंड सिलेंड्रिकल। अब आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आपने देखा ना, कभी हम राउंड मैग्नेट देख रहे हैं, कभी सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स देख रहे हैं, कभी रेक्टेंगल मैग्नेट देख रहे हैं। तो हमें फर्स्ट स्टेटमेंट में बताया गया है कि आर्टिफिशियल मैग्नेट्स के किस किस तरह के हम क्या क्या शेप होते हैं, क्या शेप होते हैं, दैट इज़ बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट एंड सिलेंड्रिकल मैग्नेट। लेट्स मूव टू सेकेंड पॉइंट, द मटेरियल विच आर अट्रैक्टेड टूवर्ड मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल और मैग्नेटाइट। जो भी अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक मटेरियल, हम उनको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल, है ना, जो मैग्नेट की अट्रैक्ट होते हैं हम उनको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक मटेरियल। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट, पेपर इज़ नॉट अ डैश मटेरियल। क्या अगर हम इस स्टेटमेंट में लिखते हैं नॉट अ मैग्नेटिक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, सो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स, तो ये ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, दिस वन इज़ फॉल्स, क्योंकि नॉट तो ऑलरेडी लगा है ना, तो अगर हम लगाते हैं नॉट नॉन मैग्नेटिक, इसका मतलब ये मैग्नेटिक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे वर्ड हमें नॉन मैग्नेटिक नहीं लिखना है, वी हैव टू राइट मैग्नेटिक,
बिकॉज नॉट इज ऑलरेडी प्रेजेंट. पेपर इज नॉट अ मैग्नेटिक मटेरियल. पेपर हमारा मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है. मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है मतलब वो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होगा. लेट्स मूव टू अनदर फिल इन द ब्लैंक्स. इन ओल्डन डेज सेलर्स यूज टू फाइंड डायरेक्शन बाय सस्पेंडिंग अ पीस ऑफ मैग्नेट. अब पुराने टाइम में जब हमारे पास ये गूगल्स नहीं थे, नहीं तो कैसे, एक कंपास होता था. कंपास ये हमारा ज्योमेट्री बॉक्स वाला कंपास नहीं, कंपास होता था जिसे हम डायरेक्शन नेविगेट करते थे. तो वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन दिखाता था और नॉर्थ की जो अपोजिट डायरेक्शन होती थी वो साउथ होती थी, वो साउथ डायरेक्शन. और उसके ही रेफरेंस से हम सेलर्स जो थे अपने डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करते थे. गॉट इट. सो अ मैग्नेट, नेक्स्ट वन, अ मैग्नेट ऑलवेज हैज डैश पोल्स. मैग्नेट में हमेशा कितने पोल्स होते हैं? मैग्नेट में हमेशा टू पोल्स होते हैं, दैट इज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. आप कितनी छोटी भी मैग्नेट ले लीजिए, बड़ी मैग्नेट ले लीजिए, किसी भी तरह की आप मैग्नेट लेंगे उसमें आपको क्या दिखेगा? उसमें आपको दो पोल्स दिखेंगे, दैट इज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. लेट्स रिवाइज ट्रू एंड फॉल्स. अ सिलिंड्रिकल मैग्नेट हैज ओनली वन पोल. अभी हमने आपको फिल इन द ब्लैंक्स में बताया था कि हर मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. तो टू पोल्स हो गए ना. लेट्स रिवाइज सेकेंड वन. आर्टिफिशियल मैग्नेट वर डिस्कवर्ड इन ग्रीस. येस. थर्ड, सिमिलर पोल्स ऑफ द मैग्नेट ट्रिपल ईच अदर. सिमिलर पोल्स ऑफ द मैग्नेट ट्रिपल ईच अदर. येस. सिमिलर पोल्स जो होते हैं मतलब नॉर्थ नॉर्थ एंड साउथ साउथ, वो रिपेल करेंगे. वेयर एज अगर ये स्टेटमेंट हमारा ये होता, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू होता. क्यों? इसमें ये कहा गया है कि अनलाइक पोल्स जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लाइक पोल्स या फिर सिमिलर पोल्स जो होते हैं रिपेल करते हैं. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. नेक्स्ट वन, मैक्सिमम आयरन फिलिंग्स स्टिक इन द मिडल ऑफ अ बार मैग्नेट व्हेन इट इज़ ब्रॉट नियर देम. अब आप एक मैग्नेट लेना, अब बार मैग्नेट लेना और बहुत छोटी छोटी सी आयरन की पीसेस डाल दीजिएगा. जब आप मैग्नेट से आयरन की पीसेस हटाएंगे ना तो आपको बहुत सारे जो मैग्नेट हैं वो आपको उसके एंड्स पर दिखेगी, बीच में कम दिखेगी. मैक्सिमम जो है वो उसके एंड पर होगी और उसके सेंटर में कम दिखेगी. क्यों? क्योंकि जो मैग्नेट कहाँ पे अट्रैक्ट कर रही है, कहाँ पे अटैच्ड हुई है, पोल्स पर हुई है ना, सेंटर में नहीं ना. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. यस. रबर इज अ मैग्नेटिक मटेरियल. अब आप कभी रबर को मैग्नेट से अट्रैक्ट करके देखना, वो नहीं अट्रैक्ट होगी बिकॉज दैट इज नॉन मैग्नेटिक मटेरियल. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. बार मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. येस. अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज अलाइन इन, ऑलवेज शो इन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. येस. नॉर्थ डायरेक्शन एंड साउथ डायरेक्शन. लेट्स रिवाइज क्वेश्चन. इट वॉज ऑब्जर्व दैट अ पेंसिल शार्पनर गेट अट्रैक्टेड बाई बोथ द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट ऑल दो इट्स बॉडी इज मेड ऑफ प्लास्टिक. Name a material that might have been used to make some part of it. अब देखिए हम मैग्नेट हमारा अभी मैम अभी हमने आपको बताया जो रबड़ है या फिर जो प्लास्टिक है दैट इज़ नॉन मैग्नेटिक, वो मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं करती है ना. बट हम क्या करते, अगर हम मैग्नेट ला के रखें हमारा पेंसिल शार्पनर का एक एंड वो अट्रैक्ट होगा. क्यों होगा? क्योंकि क्यों होगा? एनी गेसेस? इसलिए क्योंकि जो हमने पेंसिल शार्पनर में ब्लेड यूज़ किया ना दैट इज़ अ मैग्नेटिक, वो मैग्नेटिक है, उसकी ओर मैग्नेट जो है वो अट्रैक्ट हो रही है. सो पेंसिल ब्लेड, ब्लेड ऑफ अ पेंसिल इज अ मैग्नेटिक मटेरियल. गॉट इट. ओके. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल कैसे वर्क कर, नॉर्थ पोल है साउथ पोल है क्या ये अट्रैक्ट करेंगे? यस. नॉर्थ 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 सिमिलर पोल्स दैट मीन्स दे रिपल ईच अदर, है ना. नॉर्थ साउथ अट्रैक्शन शो करेंगे बिकॉज दीज आर अनसिमिलर पोल और अपोजिट पोल्स. साउथ नॉर्थ दैट इज ऑल्सो अपोजिट पोल्स, दे इट मीन्स मैग्नेट अट्रैक्ट इन दिस डायरेक्शन. साउथ साउथ दे रिपेल ईच अदर, दे शो रिपल्शन बिकॉज दीज आर सिमिलर पोल्स, बिकॉज दीज आर सिमिलर पोल्स. लेट्स रीड टू प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट दैट इज फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज अलाइन इन नॉर्थ साउथ पोल पोल्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. हमने आपको क्या बताया, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट जो होगी वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन शो करेगी, है ना. नेक्स्ट, लाइक पोल. लाइक पोल्स क्या क्या होंगे हमारे?
नॉर्थ नॉर्थ एंड साउथ साउथ पोल, सिमिलर पोल्स भी हम इनको ही बोलते हैं। तो ये हमारे एक दूसरे को रिपेल करेंगे। वेयर एज अनलाइक पोल्स लाइक नॉर्थ साउथ पोल, साउथ साउथ नॉर्थ पोल दैट आर अनलाइक पोल्स और अपोजिट पोल्स, दे अट्रैक्ट ईच अदर। गॉट इट? दे अट्रैक्ट ईच अदर। फाइन। दिस वीडियो इज़ रिलेटेड टू योर PT4 सिलेबस। गो थॉरली थ्रू दिस वीडियो सो दैट यू कैन गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जाम्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।